बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र में पूना पैक्ट अगर नहीं होता आज आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये रिजर्वेशन वहां से शुरू होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ वो वैसा ही चलते चलते आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी रिजर्वेशन उसको लागू किया गया। यह ऐसी भूमि है जो जिसको ये लिमिट नहीं है, मेरा महाराष्ट्र, मेरे लोग, मेरे लीडर नहीं है। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली तक, पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक इन नेताओं का नाम है। महात्मा फुले सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं है, महात्मा फुले कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको फोटो लगती है। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ मुंबई के नहीं लेकिन उनको फोटो हर जगह लगती है, केजरीवाल अपने बाजू में लगा के बैठता है। मैं ये कहीं को क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, संत हैं, वो सारे लोग पूरी समाज का, पूरे देश का और समाज के बारे में सोचने वाले महापुरुष यहाँ पर हुए, इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूँ। और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मोदी जी हर जगह कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना ज्ञान बोलो अज्ञान बोलो क्या है मुझे समझ में नहीं आता, वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, रोते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद में उनकी एक रैली चल रही थी, हमारी एक रैली दूसरे जगह थी, उन्होंने वहां पर भाषण किया। बहनों आप सोचिए, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी तो आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ वो मुसलमानों को देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक्सरे करके बाहर लाकर बंटवारा करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है और दूसरा यहां तक भी बोला, मुझे और भी हंसी आई। अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस उन्होंने मुसलमान को देंगे, ये उन्होंने कहा। आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे। ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेट्समैन के तरफ रह के बात करते हैं और उस ढंग से ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेकर चलता है, जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूँगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊँगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्होंने ही बोल रहे और झगड़ा उन्होंने ही लगा रहे, आपस में हमारे जो झगड़े करा रहे वो उन्होंने ही करा रहे। और उनका खास मकसद ये है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करना चाहते, इनको पिछड़े का पिछड़े रखना चाहते हैं, इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। देखिए 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC ST को मिलता है और बाकी के 50%
अलग लोगों को मिलता है। ये सब इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो हमेशा सिर्फ बात अगर करते हैं, छोटे मोटे बात करके कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, तुमने क्या किया। खासकर हमारे को बोलते रहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब बाद में अब इधर इधर 55 साल बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं करे होते, इस देश में संविधान अगर बचाए नहीं रख सकते, लोकतंत्र को अगर बचाया नहीं रख सकते, तो मोदी जी आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बन सकते थे। हमने उसको सुरक्षित रखा, हमने जनतंत्र को सुरक्षित रखा, इसीलिए शाह और आप उस गद्दी पे बैठे हो। और हर चीज को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उसका उल्लेख भी हमारे उद्धव ठाकरे जी ने किया। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी यह है झूठ बोलना। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया, काला धन लाकर दिया, उसने दिया, मिला उसको नहीं मिला आपको, तो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे या सच बोल रहे? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिया उन्होंने नहीं दिया, ये भी झूठ है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, दुप्पट हो गई किसानों की आमदनी, नहीं हुआ। तो इतना झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर किसी देश में है तो भारत में है, वो हिंदुस्तान में है, वो है मोदी जी। इसीलिए मैं उनको कहता हूँ झूठ बोलते ही रहते हैं सुबह शाम तक, उसीलिए मैं उनको ये कहता हूँ आप झूठों के सरदार हैं, आप झूठों के सरदार हो, सबको झूठ बोलते हो और देश को फंसा रहे हो। और आपके जमाने में जब 2014 शरद पवार जी और हम एक ही कैबिनेट में थे, उस वक्त पेट्रोल का दाम 66 रुपीज था, आज 104 रुपए 2024 में, तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी आप बोलिए? 66 रुपए को पेट्रोल देने वाली गवर्नमेंट क्या 104 रुपए देने वाली, सॉरी 1004, उसके बाद में ये सॉरी 104, डीजल की कीमत 52 रुपए अब है 92 रुपए, LPG 414 रुपए अब है 903 रुपए, आटे की कीमत 10 kg 210 रुपए अब है 447 रुपए, और दूध की कीमत 39 रुपीज था आज है 66 रुपीज, तुअर की दाल 80 रुपए थी आज है 188 रुपए, यानी आप किसी का भी दाम ले लो, मोदी के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, और हर चीज महंगी होने के बाद गरीबों को क्या मिलने वाला है? और इनकी गारंटी कौन सी है? मैं बोला दाम बढ़ाने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, सत्य कभी नहीं बोले, सत्य से दूरी रहे हो। लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, हमने नरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट लाया, उसी के साथ साथ जितने भी जो प्रोग्रेसिव एक्ट थे, कानून थे, उन कानूनों को हमने लागू किया। तुमने क्या किया? तुम सिर्फ ईडी
सीबीआई, इनकम टैक्स, सीबीसी, इनका इस्तेमाल करके सबको जेल में डालने का काम किया। ये लोग सिर्फ, जैसा कि हमारे अभी केजरीवाल ने कहा कि रसिया में चुनाव हो गए और बांग्लादेश में चुनाव हो गए, पाकिस्तान में चुनाव हो गए, ऐसा चुनाव करके मोदी जी भी यहाँ पर वही अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के जैसे डेमोक्रेसी को कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो कुछ भी हो, लड़ेंगे हम। बांग्लादेश का जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, रसिया जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग मजबूत है, थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा वक्त के बाद अगर ठीक ढंग से नहीं चला, एक क्रांति यहाँ पर हो जाएगी। ये खास करके हमने जो आज शपथ लिया, इस देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है, इसको बचा के रहेंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। ये संविधान सबके लिए है, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये संविधान हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार, हर चीजों का अधिकार इस किताब में है। इसको छीनना चाहते हैं। मोदी जी, आप लाख कोशिश करो, आप कभी इसको छू नहीं सकते और आपकी आरएसएस भी इसको छू नहीं सकती। यह अपना दावा है जिसके लिए लोग लड़े, मरे, कुर्बानी दी, और उन लोगों के सामने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल नहीं सकते। और कोई बदलने की कोशिश किया तो आप समझिए बीजेपी का नाम और निशाना नहीं रहेगा। और एक मैं खास बात बोलने जा रहा हूँ, मोदी जी हमेशा क्यों रोते मुझे समझ में नहीं आता। वो बोले, परसों मैं सुना, और नॉमिनेशन भरने के बाद वो लोगों के सामने लोगों को संबोधित कर रहे थे भाषण, वो क्या बोले, मैं यहाँ नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे, माँ गंगा तो आपको कहीं से भी आशीर्वाद देती थी, वहीं से लड़ना था, गांधीनगर से, वहाँ छोड़ के यहाँ आके माँ गंगा बुलाई। ये धार्मिक भावनाओं को बार बार उठाना, उछालना, ये जो काम मोदी कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन मोदी हमेशा रोते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, झगड़ा लगाते भी रहते हैं, और उन्होंने इतने माहिर है कि जो बात उन्होंने एक दिन पहले बोले, दूसरे दिन अगर कोई पत्रकार पूछा, आजकल पत्रकारों से तो नहीं मिलते, एक एक लोगों को बुलाते हैं, पहले ही वो रेडीमेड रहता है, वो रेडीमेड को वो अपने टीवी में डलवा देते हैं। अब देखे होंगे आप, एवरी हाफ एन आवर मोदी जी का चेहरा दिखता है, और मोदी जी का चेहरा दिखाते ही है हर टीवी में, और बाद में ये कहते हैं कि माधव, ये अपने मोदी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। क्या पॉपुलैरिटी बढ़ गया? तुमने तो देश को सत्यानाश किया, सबको बोले सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन सबको सत्यानाश कर दिए। यह मोदी की अवतार है,
और मोदी सिर्फ उनको जो चाहते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लोगों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने यही पूछा उनसे पार्लियामेंट में भी बाहर भी, अरे भाई तुम्हारा काम बताओ, काम बता के वोट लो। उन्होंने कभी भी अपने काम नहीं बताए। एक बताया उन्होंने, मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक। आई बुलेट ट्रेन, 1 लाख रुपए जापान से कर्जा लेकर लाया और बुलेट ट्रेन मैं 2 साल में कंप्लीट करूंगा, उन्होंने कहा। 2 साल गए, 8 साल गए, 10 साल गए, वो बुलेट ट्रेन कहाँ है दिख रही नहीं। खैर वो तो गरीबों के लिए भी नहीं है, इतनी महंगी है, सिर्फ अमीरों के लिए उन्होंने वो एक बुलेट ट्रेन का बताया था। तो ऐसे कई चीज़ें हैं कि मोदी जी अपने वक्त जो काम करने का वायदा किया था उन्होंने एक भी नहीं किया। मैं सुना जब मोदी जी की यहाँ पर रैली चल रही थी, उस वक्त यहाँ पर एक होर्डिंग गिरी 13 मई को, उसमें 14 लोग मरे, 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, दब गए नीचे। उन्होंने देखने के लिए भी वहाँ पर नहीं आया, वो यही मुंबई में थे। मैं पूछता हूँ मोदी जी, गरीबों के लिए आपके पास यही हमदर्दी है? उनको देख भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, जैसा मणिपुर में हो रहा है? मणिपुर में 1 साल से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, बहुत से रेप हो गए, 60,000-70,000 लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन मोदी जी वहाँ नहीं गए। मोदी जी देश विदेश में फिरते रहे, 14 दौरे विदेश में उन्होंने किया, और इलेक्शन के भाषण तो आप पूछो मत, इतने भाषण इलेक्शन के उन्होंने इस बार किया, दिल्ली से लेकर गली तक हर जगह जाना। भाइयों और बहनों अपना ही बात करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हमारे को हमारे शरद पवार साहब को भी उन्होंने इनवाइट करने की बात करी। उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जी अब ये बुढ़ापे में क्यों कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को भी वही कहा, ये लोग उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, वो कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तुम ऐसे लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हो, हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, किसको नकली असली बोलकर तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूँगा, जो हमारे खास करके यहाँ के जो कोशिश कर्नाटक में हुई, हमारा वहाँ पर तोड़फोड़ हो गया, एक बार गिरा है, गिराने के बाद हमका हमारी सरकार गिरने के बाद फिर इतने जोश में वहाँ कांग्रेस आ गई, 136 सीट लेकर बहुमत में आकर आज गारंटी दे रही। 5 गारंटी हमने जो कहा था वो हम दे रहे हैं, तेलंगाना में 6 गारंटी बोले हम दे रहे हैं, हिमाचल में बोले हम 5 गारंटी वो दे रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोले, हम सब देखकर ही बोले हैं और उसका हमने अनुष्ठान में लाने की पूरी कोशिश की है। और ये जो कहते हैं वो कुछ भी करते नहीं, बार बार बोलते रहते हैं। और एक बात यहाँ निकली कि मोदी जी के किसके लिए कोशिश कर रहे, कि वो शाह के लिए करेंगे, क्योंकि 75 साल होने के बाद
वो छोड़ देंगे और उसके बाद शाह आ जाएंगे। अरे शाह कहाँ से आते, हम मोदी को ही छोड़ रहे नई जगह, मोदी ही नहीं रहेगा तो शाह कहाँ से आएगा। मोदी इस बार 200 पार नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाता है।